उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी से इस वक्त की बड़ी खबर। थाना बदोशराय पुलिस टीम द्वारा कैलाश हत्याकांड का किया गया सफल अनावरण। हत्या करने वाली पत्नी व उसका प्रेमी गिरफ्तार। आपको बता दें कि दिनांक 18/6/2023 को वादी रेणु पत्नी कैलाश बहेलिया निवासी ग्राम हजरतपुर थाना बदोशराय जनपद बाराबंकी ने थाना बदोशराय पर सूचना दी कि मेरे पति कैलाश का शव रसूलपुर से खुर्दमऊ मार्ग पर तालाब के किनारे पड़ा है। मेरी दुश्मनी गांव के अंशु कुमार व तिलक राम से है। इन लोगों ने मेरे पति की हत्या की है। इस संबंध में थाना बदोशराय पर मुकदमा संख्या 165/2023 धारा 302/2001 व 3/2/5 SC/ST एक्ट बनाम अंशु कुमार व तिलक राम पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक बाराबंकी दिनेश कुमार सिंह द्वारा घटना से संबंधित समस्त पहलुओं की जांच कर संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया। तो वहीं 22/6/2023 को थाना बदोशराय पुलिस टीम द्वारा साक्ष्य संकलन से घटना में संलिप्त मृतक की पत्नी रेणु पत्नी स्वर्गीय कैलाश बहेलिया निवासी हजरतपुर थाना बदोशराय जनपद बाराबंकी व उसका प्रेमी राम कुमार यादव उर्फ गुट्टी पुत्र महेश प्रसाद निवासी ग्राम किंतूर थाना बदोशराय जनपद बाराबंकी को आलापुर मजरे किंतूर के पास से गिरफ्तार किया गया। घटना में प्रयुक्त एक अदद ब्लेनो नंबर UP 32 MF 3454 व आला कत्ल एक अदद पाना बरामद किया गया। साक्ष्य संकलन से अभियोग उपरोक्त में नामित अभियुक्तों की नामजदगी गलत पाई गई। पूछताछ व साक्ष्य संकलन से प्रकाश में आया कि मृतक कैलाश की पत्नी रेणु का अवैध संबंध काफी दिनों से राम कुमार यादव से था। कुछ दिन पूर्व मृतक कैलाश ने श्रवण नाम के युवक के साथ अपनी पत्नी को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा था, जिसके बाद मृतक ने पत्नी को मारा पीटा था। इसी बात से क्षुब्ध होकर मृतक की पत्नी रेणु ने राम कुमार से बात कर कैलाश को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। तो वहीं आपको बता दें कि योजना अनुसार दिनांक 17/6/2023 को मृतक की पत्नी ने कैलाश को बच्चों की फीस कम कराने के बहाने राम कुमार के पास चलने के लिए कहा, क्योंकि अभियुक्त राम कुमार यादव एक इंटर कॉलेज में चपरासी है। बदोशराय पहुंचने पर कोल्ड ड्रिंक में नशे की गोली मिला दी और ब्लेनो कार में बैठा लिया। कार में अभियुक्तगढ़ राम कुमार व रेणु ने कैलाश का गला कसकर गाड़ी में रखे पाना से सिर पर वार कर हत्या कर दी। थाना बदोशराय में 18 तारीख को रसूलपुर खुर्दमऊ रोड पे वो तालाब के पास एक डेड बॉडी मिली। आरंभिक जब उसकी पहचान का प्रयास हुआ तो वो कैलाश बहेलिया की निकली, जो हजरतपुर के रहने वाले। तो एक ब्लाइंड मर्डर था, उस पर जो उनकी पत्नी है उसकी तरफ से एक तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें कुछ पुरानी छोटी सी रंजिश को लेकर के नामजद किया गया। और फिर पत्नी द्वारा उस पर इस बात के लिए काफ़ी दबाव बनाया जाने लगा कि हम उनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि वही वो सही मुलजिम है, ये बार बार कहने लगी। SO बदोसराय और CO रामनगर की पूरी टीम उस पर विवेचना में लगी और ये लगा कि ये जो नामजदगी है वो गलत है, इसमें कुछ और विवेचना की आवश्यकता है। उसी क्रम में काफ़ी जब हम आगे बढ़े तो मालूम चला कि ये मृतक की पत्नी खुद ही हत्या में शामिल है और उसने एक पूरी कहानी रची। हुआ ये था घटनाक्रम कि होली के आसपास मृतक का एक मौसेरा भाई था श्रवण, जो अब सऊदी अरब चला गया है, उसके साथ इनको गलत तरीके से देखा था मृतक ने, पति ने। उसने आपत्ति किया था और मृतक ने इनकी कुछ पिटाई भी कर दी थी अपनी पत्नी की। ये उससे अंदर से बहुत क्षुब्ध और कुपित थी और तब से इनके संबंधों में तलखी भी चल रही थी। इसी बीच स्कूल के एक चपरासी ने से इसकी मुलाकात होती है राम कुमार से और राम कुमार से भी इसके संबंध हो जाते हैं अवैध। और ये राम कुमार और फिर ये मृतक की पत्नी रेणु दोनों ने एक साजिश के तहत प्लान किया कि इसको रास्ते से हटाया जाए। घर से ये अपने पति को ये कह के लेके चलती है कि जो राम कुमार है वो बच्चों की फीस को कम कर देगा, क्योंकि भाई स्कूल का चपरासी है, और बात करके प्रिंसिपल से कम आप बस वहाँ चल चलिए, थोड़ी बात हो जाएगी आपके सामने। इसके पहले भी उसने उनको कुछ नशीला पदार्थ दिया था खाने में। यहाँ आने पर कोल्ड ड्रिंक्स का ऑफर जो राम कुमार ने किया उनको, उसमें काफ़ी नीती गोलियाँ थी और उसको पीने के बाद जो मृतक कैलाश था वो अर्धमूर्छित हो गया वहाँ पर करीब करीब गाड़ी में बैठते ही। वहाँ से फिर राम कुमार ने अपने ही बलोनो गाड़ी में इनको लादा और राम कुमार और ये मृतक की पत्नी ने मिलकर के गाड़ी में ही दबा करके उसकी हत्या कर दिया
और गाड़ी के एक पैनल से उस पर वार भी किया गया और फिर ले आके खुर्दों के तालाब में फेंक दिया गया। घटना में प्रयुक्त जो गाड़ी है वो बरामद हुई है, वो पैना बरामद हुआ है, उस पर ब्लड स्ट्रेन भी मिले हुए हैं और इन सारी बातों की पुष्टि हमारे अन्य स्रोतों से जो साक्ष्य हमारे उनसे भी हुई और इन सबों ने जुर्म को स्वीकार भी किया है।